Assalamualaikum guys, मैं आज अपने कबूतरों को नहला रहा हूँ, जो कबूतरों में कीड़ों में पड़े होते हैं उनके खिलाने के लिए। टब में थोड़ा पानी दीजिए और कीटाणु के लिए ये दवाई यूज होगी। इसमें एक ढक्कन, इसमें एक ढक्कन ये दवाई डालेंगे हम। ऐसा हल्का सा मिक्स करेंगे, इससे पानी का रंग थोड़ा चेंज हो जाएगा और स्मेल भी आने लगेगी। तो मैं कबूतरों को लेके आता हूँ। सिराजी कबूतर, इसके आप पंख देख सकते हैं कि कीड़े सब इसके पंख खा गए हैं। तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, शायद दिख जाए यहाँ पे। इसमें दिख गया है, इसमें छोटे छोटे जो है वही कीड़े हैं। पूरे नहलाने से पूरे क्लीन हो जाएंगे। और आपको नहलाना कैसा है, दो लोग होते हैं तो अच्छा होता है, और आप अकेले कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कबूतर की गर्दन यूँ पकड़नी है कि दो उंगलियों के बीच, उसका सर पानी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप नहला के दिखाता हूँ। अच्छे से डुबाइए, पंख भी पूरा क्लीन करके। इसी तरह से सारे कबूतरों को नहलाना है। नहीं कौन नहीं क्या देखिए, और एक कबूतर और कबूतर को नहला के देखा था। गर्दन को ज्यादा टाइट मत पकड़िएगा, हल्का सा पकड़ेंगे बस, उसकी बॉडी मूव ना कर सके बस। अगर दो लोग होंगे तो आपको आसानी होगी, अकेले कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे
आपको कबूतरों को कैसे नहलाना है, तो दुआ में याद रखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।